सबसे पहले कुशीनगर के सभी वासियों को मेरा प्रणाम। और आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन था कि हाटा के ढाणा बुजुर्ग में एक 16 वर्षीय बालिका जो है जो कानपुर से आई संक्रमित होकर, और गनीमत कहे आई कुशीनगर लोकसभा के विभिन्न ग्रामवासियों के जागरूकता कि उस ग्राम सभा के लोगों ने उस लड़की को गांव में आने से रोक दिया और जिला प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग को सूचना दिया। जब ये लोग आए उसके में सिम्टम इन लोगों को मिला कोरोना महामारी का, तो फिर उसके जांच कराने के लिए भेजे जो कि पॉजिटिव उसका मिला। कुशीनगर का कहीं से कोई त्रुटि नहीं, लेकिन चूँकि कुशीनगर से बाहर, मैंने परसों एक लिंक डाला है अपने फेसबुक पर, मुझे आश्चर्य हुआ कि तीसरा दिन आते आते अभी तक लगभग 32 शहर का डेटा आ चुका है। अब उनके साथ अगर परिवार के भी एक दो सदस्य रहे तो जोड़ लीजिए कितना हो गया। इसलिए मैं अभी लिंक बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे अब ये लग रहा है कि आधार कार्ड तो उसमें मांगे तो नहीं। मैंने तो सरल एक प्रक्रिया अपनाया था कि बाहर जो लोग फंसे हैं जो भी प्रवासी हैं उनको ना कागज़ ना कलम कहीं कोई ज़रूरत नहीं, उसी पर डेटा दे दिया जाए। और मैंने मांगा जुटाया इसलिए कि मैंने अपने विवेक से शुरू तो किया था, लेकिन देखिए कहते हैं हिम्मत करने वालों का साथ सभी लोग देते हैं, ईश्वर भी देते हैं। अभी कल मैंने परसों से शुरू किया, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ के सचिव का फ़ोन आ गया मेरे पास कि आप कुशीनगर के जितने बाहर के लोग हैं उनका जितना भी अगर इकट्ठा करा लें सूचना और हम लोगों तक व्हाट्सएप के फला नंबर पर व्हाट्सएप पर आप भेजें तो हम लोग अब वहाँ पर ट्रेनें आदि लगाना साधन शुरू करेंगे और उनको मैसेज चला जाएगा तो वो लोग वो साधन पकड़ के आ जाएंगे। तो मैंने कल पूरी रात इसके अलग अलग स्टेटों में छांट कर 22,000 आज मैं भेज चुका हूँ। 10,900 का डेटा अभी पड़ा है जिसको छांट रहे हैं हम लोग अलग अलग स्टेटों में, इनको भी शाम तक भेज दूंगा। इसलिए मैंने अभी लिंक बंद कर दिया है क्योंकि आधार कार्ड तो उसमें फ़ोटो मांगे नहीं थे। हमें लग रहा इतनी ज़्यादा संख्या कहाँ से बढ़ते जा रही है, कहीं अगल बगल के ज़िले या बिहार के लोग कुशीनगर का नाम रख के और कोई कहीं का एड्रेस दे के इस तरह तो नहीं लिंक भरा जा रहा है कि कुशीनगर आ जाएंगे तो फिर अपने गंतव्य तो स्थान के लिए आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं अभी बंद कर दिया हूँ, आगे फिर लिंक चलाऊंगा जब ये एक 10,900 का डेटा मैं भेज दूँ CM कार्यालय, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। लेकिन अब की बार आधार कार्ड के फ़ोटो सहित मेरा लिंक जाएगा कि उसमें डालना है। और बाकी मैंने तो कल मंडल अध्यक्ष गणों से कुशीनगर के और परसों जिला पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम लोग मिले थे, वार्ता किए थे, अपने आचार विचार दिए थे, तो उसमें मैंने कहा था कि अब चुनौती असली शुरू हो रहा है, क्योंकि हम लोग के प्रयासों से आप लोग के सहयोग से जनता के अनुशासन के पालन से भले ही कुशीनगर ग्रीन जोन में है बचा है, लेकिन अब बाहर से आने वाले लोगों के आने के बाद किस जोन में जाएगा ये तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हम लोग का प्रयास रहे कि बाहर से आने वाले लोगों का पहले क्वारंटीन हो, पहले जांच हो, तभी गांव में प्रवेश करने दिया जाए। ये सभी ग्रामवासी इस तरह जिस तरह ढाणा बुजुर्ग हाटक ने जागरूकता दिखाया और संक्रमण गांव और उस बालिका के परिवार में फैलने से बचाया, यही कार्य अब सबको करना है, तभी कुशीनगर अभी महाराष्ट्र और गुजरात और ये आगरा बनने से दूर रहेगा। वरना ये महामारी जिस अगर इस चपेट में आ गया और रेड जोन में कुशीनगर आ गया तो फिर जो असली कर्फ्यू होता है वो झेलना पड़ेगा हम सभी लोगों को। धन्यवाद, सबको प्रणाम।